हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया ISC से। तो यहाँ पे देखिए, रिक्रूट स्पेशल रिक्रूटमेंट डैम इज गोइंग ऑन फॉर SC ST OBC NCL EWS PWD कैटेगरीज के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है इस टाइप के वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आप देख सकते हैं सबकी यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे जो है वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। इससे अलावा जो है मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके भी यहाँ पे वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ISC बैंगलोर से आया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC NCL EWS PWD कैंडिडेट पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजिशन इन वेरियस अकेडमिक डिपार्टमेंट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे जो है recruitment.isc.ac.in पे जाके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेस में, केमिकल साइंसेस में, फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंसेस में, मैकेनिकल साइंसेस में, इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च में जो है यहाँ पे पोजिशंस को निकाला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपका यहाँ PhD होना चाहिए फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट डिग्री में इन द प्रिसीडिंग डिग्री में विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और मिनिमम आपका 3 ईयर्स का जो है टीचिंग रिसर्च या प्रोफेसर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सेप्ट योर PhD लाइक एक्सपीरियंस। ठीक है, तो PhD में जो आपने किया है उसे एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। PhD के बाद अगर आपका मिनिमम 3 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो स्केल ऑफ पे जो है लेवल 12 आपको दिया जाएगा विद बेसिक पे ऑफ ₹1,05,000। तो आप इसके बाद आपका जैसे 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका सर्विस का, तो आपका लेवल जो है उसे बढ़ा के 13A किया जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे आपको 1,31,400 जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल मिनिमम एमोलूमेंट जो है इंक्लूडिंग DNS एंड ट्रांसपोर्ट अलाउमेंस 1,66,541 पर मंथ विद हाउस रेंट अलाउमेंट एंड 1,39,136 इफ स्टेइंग इन द कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्पेशल इनिशिएटिव इज गोइंग ऑन फॉर न्यू फैकल्टी मेंबर्स। तो ISC ऑफर सेवरल अट्रैक्टिव इंसेंटिव फॉर द प्रोफेसर एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ न्यू फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जो के लिए ये पॉइंट्स लाइक इंपॉर्टेंट तो आप इसको जरूर पढ़िएगा एक बार, अप्लाई करने से पहले इससे पढ़िएगा ताकि आपको जो है यहाँ पे जो है आपको कुछ लाइक जो भी लाइक बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ISC की तरफ से वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एंडोन यंग इन्वेस्टिगेटिव अवार्ड प्रोवाइडिंग अ टॉप सब सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ एंड रिसर्च ग्रांट ऑफ ₹3,00,000 पर ईयर अवेलेबल ऑन अ कॉम्पिटेटिव बेसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स इज सच वाई अवार्ड इज फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यंग इन्वेस्टिगेटर का अवार्ड अगर आप जीतते हैं तो आपको यहाँ पे 25,000 पर मंथ दिया जाएगा और 3 लाख जो है वो पर ईयर आपका जो है रिसर्च ग्रांट आपको यहाँ पे दी जाएगी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, एकोमोडेशन भी आपको कैंपस में दिया जाएगा अगर आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आपका ट्रेवल और रिलोकेशन एक्सपेंसेस जो है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जाएगा। अगर आप रिलोकेट कर रहे हैं अब्रॉड से तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, अगर आप इंडिया में विद इन इंडिया में रिलोकेट कर रहे हैं तो आपको 1,25,000 जो है वो अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा फॉर अ मिनिमम 2 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है। तो और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको बस लाइक क्लिक करना है recruitment.isc.ac.in पर, तो आप यहाँ पे जाके जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको चाहिए क्या होगा, CV विद अ लिस्ट ऑफ ऑल 5 लाइक ऑल पब्लिकेशंस अप टू 5 सेलेक्ट, यानी कि अगर आपके पास 10 पब्लिकेशन तो आप हाई इम्पैक्ट के जो है 5 पब्लिकेशन जो मैक्सिमम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिसर्च प्लान होना चाहिए जिसमें आपका लेबोरेटरी स्पेस रिक्वायरमेंट और इक्विपमेंट जो जो आपको चाहिए होंगे अपना रिसर्च प्लान को कंप्लीट करने के वो सारा आपको होना चाहिए, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो होना चाहिए कि आपको कितना लाइक खर्चा आएगा या कॉस्ट होगा अपने एक्सपेरिमेंट जो भी आपने लाइक रिसर्च प्लान में मेंशन किए उन्हें कंप्लीट करने में। इसके अलावा अगर आपका आपका टीचिंग प्लान भी होना चाहिए एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप UG और PG डिग्री में लाइक PG स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे तो वो भी आपका टीचिंग प्लान होना चाहिए। और आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट है, अगर आप किसी लाइक कास्ट लाइक आप रिजर्वेशन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये सब लाइक आप फिलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी के, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म
और आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा जो है आपको सबमिट करना है टू द रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 560012 इंडिया। फ़ोन नंबर मैंसन कर रखा है, ईमेल मैंसन कर रखा है और सीसी में आप जो है recruitment.council@iisc.ac.in पे जो है आप यहाँ पे सीसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करेंगे या आप नॉर्मली गूगल पे जो है टाइप करिए recruitment.iisc.ac.in तो आप जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पे के पास जो है आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, सारी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो इट इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।